3. वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अनीता माथुर, लाइब्रेरियन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली में कार्यरत हूँ। आज हम दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आज का टॉपिक है लेक्चर नोट्स एंड इंटरनेट आर्काइव। आइए पहले हम लेक्चर नोट्स के बारे में जानते हैं। लेक्चर नोट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एक दूसरों से आप नोट्स शेयर कर सकते हैं। फैकल्टीज, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स अपने क्लास नोट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और ये सारे ही नोट्स निःशुल्क हैं। इसे कोई भी कहीं भी डाउनलोड कर सकता है और आगे इसको शेयर कर सकता है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य है विश्व जगत के स्कॉलर्स और टीचर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके और नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका एक एम यह भी है कि क्लासरूम से डिस्कशन में जो समय व्यतीत होता है उसका सही उपयोग किया जा सके है। यह स्टूडेंट्स और टीचर्स कम्युनिटी को एक दूसरे को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां वो एक दूसरे से सीख सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं और इन्हें शिक्षित कर सकते हैं। यह वेबसाइट उन पॉलिटेक्निक्स एंड इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिन्हें लेक्चर नोट्स और मटेरियल की जरूरत होती है। इस वेबसाइट पर क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बैंक, लैब मैनुअल्स, वीडियो मटेरियल्स और सेमिनार पीपीटी उपलब्ध है। इस वेबसाइट को यूज करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यह वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है तथा स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। लेक्चर नोट्स स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच जो गैप को कम करता है, उन्हें बेस्ट नोट्स मिलते हैं जो वो क्लासरूम में पढ़ सकते हैं तथा एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन नोट्स की वजह से जो डिक्टेशन में लगने वाला समय डिस्कशन में लगने वाला समय बचता है, उसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में यूज किया जा सके, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साबित होगा। यह वेबसाइट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स अपनी फैकल्टी अपने इनोवेटिव आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं और उन पर डिस्कस कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म टीचर्स को अपना सिलेबस नियत समय में पूरा करने की सहूलियत देता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के नोट्स भी उपलब्ध हैं, जो न केवल आपके एबिलिटी को बढ़ाएंगे और आपके जॉब प्लेसमेंट इंटरव्यूज में भी काम आएंगे। यहाँ पर भारत के प्रमुख यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक भी है जो सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस उपलब्ध है। एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकता है, उन्हें कंपेयर कर सकता है और वो नोट्स यूज कर सकता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से सही हो। इस वेबसाइट पर जाने माने यूनिवर्सिटीज जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी, VTU कर्नाटका, JNTU, BPUT और MET यूनिवर्सिटीज के टीचर्स रोजाना अपने लेक्चर नोट्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। इस वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स हैं और 25,000 टीचर्स अपनी नॉलेज को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। यह वेबसाइट स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के चांस भी देता है। स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। अभी अभी इन्होंने एंड्रॉयड और iOS पर भी एप्लीकेशंस लॉन्च की है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वेबसाइट का उपयोग कर सके।
इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट आर्काइव। इंटरनेट आर्काइव की शुरुआत 1996 में खुद इंटरनेट को आर्काइव करके हुई। न्यूज़पेपर की तरह इंटरनेट पर भी डाटा टेम्परेरी था, पर न्यूज़पेपर की तरह कोई भी इन्हें उसे इकट्ठा नहीं कर रहा था। इंटरनेट आर्काइव में 2 पेटाबाइट्स एंड डाटा कंप्रेस्ड फॉर्म में है, 150 बिलियन से ज़्यादा वेब कैप्चर्स है, 200 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट 40 भाषाओं में उपलब्ध है। इंटरनेट आर्काइव पर डाटा या तो यूजर्स अपलोड करते हैं या फिर पब्लिक डोमेन में पड़ा कॉपीराइट रहित डाटा ये खुद वेब ग्रैबर की मदद से ले लेता है। क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, ढेर सारी बुक्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। हर इंसान एक अच्छे कलेक्शन वाली पब्लिक लाइब्रेरी जा नहीं सकता, इसलिए यह वेबसाइट उन पुस्तकों के डिजिटल वर्जन को सभी को उपलब्ध कराती है। 2005 में इन्होंने बुक्स को डिजिटाइज का फैसला किया था और आज की तारीख में दुनिया के 28 लोकेशन पर 1000 बुक्स पर डे से भी ज़्यादा बुक्स का डिजिटल वर्जन तैयार किया जाता है। 1923 के पहले पब्लिश की गई सभी पुस्तकें फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हजारों मॉडर्न बुक्स ओपन लाइब्रेरी की वेबसाइट से बोरो की जा सकती है। अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखी गई लाखों ई बुक्स स्टूडेंट्स द्वारा सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए डाउनलोड की जा सकती है। इंटरनेट आर्काइव आंशिक रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ मटेरियल्स पर कॉपीराइट होने से या तो इन्हें बोरो किया करना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। हालांकि काफी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इंटरनेट आर्काइव पर डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर सकता है या डाउनलोड कर इसका फायदा उठा सकता है। धन्यवाद।